गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं सेट थ्योरी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो बना करके दे रहा हूँ। जैसा कि लगभग सेट थ्योरी की मैं पूरी जो है थ्योरी कवर कर चुका हूँ, अब लास्ट वीडियो में आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप कॉपी पेन उठाइए और साथ में एनसीईआरटी की बुक भी उठाइए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2034। एग्जाम्पल 34, किताब भी साथ रखिए, कॉपी पेन साथ रखिए। एग्जाम्पल 34, अगर आप पढ़ेंगे, ए कॉलेज वर्ल्ड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। इसका मतलब स्कूल में तीन गेम हैं। देखिए, फुटबॉल के लिए जो मेडल मिल रहे हैं फुटबॉल के लिए मेडल हैं 38 मेडल्स। और इसके बाद बास्केटबॉल के लिए 15 मेडल हैं। और क्रिकेट के लिए 20 मेडल हैं। और ये कहा जा रहा है, ये दो मेडल मिल रहे हैं केवल 58 पर्संस को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 58 को मिल रहे हैं। और तीन पर्सन ऐसे हैं, ओनली थ्री मैन गॉट द मेडल इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू थ्री। अब आप ये देखिए, हमें वो नंबर बताना है कि जिनको एग्जैक्टली दो गेम में मेडल मिल रहा है, ठीक। अब देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तीन सेट है, ये आपका बास्केटबॉल वाला सेट है, ये क्रिकेट वाला सेट। और ये फुटबॉल का सेट है, ठीक। अब आप ये देखिए, ये वाला वो पोर्शन है जो तीनों सेट का कॉमन पोर्शन है, जिसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है।
ठीक, जिसकी वैल्यू 3 दे रखी है। यहां पर एग्जैक्टली दो गेम, मतलब फुटबॉल और इसमें कितने कॉमन है, फुटबॉल में और बास्केटबॉल में एग्जैक्टली दो गेम में, इसका मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए आपको। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं दो गेम में कॉमन, ये वाला पोर्शन चाहिए। और ये वाला पोर्शन चाहिए। ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक। इसमें मान लीजिए ए एलिमेंट से और इसके अंदर ए एलिमेंट से, इसके अंदर बी एलिमेंट से जिस पोर्शन को सेडेट किया है, सी एलिमेंट से, सी एलिमेंट से आपका फॉर्मूला क्या है बताइए। एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, एन एफ एन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी C इंटरसेक्शन F, F इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन C, राइट। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, इसको डिराइव भी करिए फॉर्मूले को, सही थ्योरी समझना चाहते हैं। अब देखिए ये 58 हो गया, आपको वैल्यू के हिसाब से पता है, 38 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, माइनस एफ ए इंटरसेक्शन, बताइए इसकी वैल्यू एफ और बी में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे बताइए, ए प्लस 3 ए प्लस 3 ए प्लस 3 माइनस बी और सी में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं बताइए, सी प्लस 3 बी प्लस 3 और प्लस 3। अब जरा इसको काउंट करिए, ये 58 इससे कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू, 0 इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 0 इज इक्वल टू, यहां बचेगा 15 माइनस ए माइनस 3 माइनस सी माइनस 3 माइनस बी माइनस 3 और प्लस 3।
अब देखिए ए को भी इधर ले जाइए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 क्या हो गया बताइए, 15 माइनस 6 9 हो गया। एग्जैक्टली दो में कॉमन कितने एलिमेंट्स है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी पहले मैंने मार्क कर रखा था, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपने एक बार ध्यान से समझ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो आपको कभी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है प्रॉब्लम में। बड़ा बढ़िया सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं समझता हूं अगर आपको यह समझ में आता है तो आप किसी भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को बहुत ढंग के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज, ए एंड बी आर द सेट्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, इज इक्वल टू B intersection X। A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5। A union X B union X X कोई भी सेट है, प्रूव दैट A is equal to B। इस प्रॉब्लम को आप इंपॉर्टेंट टिक करिए, और इसमें एक चीज और भी प्रॉब्लम, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। देखिए, टेकिंग A इंटरसेक्शन, दोनों साइड में A के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, A union X A intersection B union X। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, A intersection A union A intersection X A intersection B A intersection X, ये A हो गया यूनियन, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए यूनियन 5 A intersection B union 5 योग्य।
अब आप जरा यहां पर देखिए, यहां लाइन कीजिए, जैसे आपने यहां पर ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था, अब बी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। B इंटरसेक्शन E यूनियन B इंटरसेक्शन X। अब आप देखिए जरा इस पर ध्यान दीजिए, जैसे आपने देखा था A इंटरसेक्शन A यूनियन X A के इक्वल आ गया था, तो B इंटरसेक्शन B यूनियन X आप डायरेक्टली B लिख सकते हैं और इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको आप A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। फाइव A यूनियन B A इंटरसेक्शन B B is equal to अब आप देखिए यहां पर ये भी A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B B के इक्वल है, therefore A is equal to B, A is equal to B, यही आपको प्रूफ करना था A is equal to B, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके कमेंट्स आते हैं कुछ भी, या आप और चाहते हो मैं आपको और प्रॉब्लम बताने के लिए तैयार हूं सेट थ्योरी में। थैंक यू।